अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 11 का न्यूमेरिकल नंबर 2 कर रहे हैं। सवाल है, अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड? डेटा बनाएंगे। फर्स्ट हमें रॉड, एग्जैक्टली रॉड दिया हुआ है, यानी कि हमें एल नॉट दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। एट टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड? T2 दिया हुआ है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ हम अल्फा की वैल्यू लिखेंगे जो कि कांस्टेंट है, 11 एक्सपोनेंट -6। यूनिट आ जाएगी इसकी K-1। मालूम हमने लेंथ करनी है, एल स्लैश मालूम करना है। पहली वे लेंथ की जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है और दूसरे लेंथ की टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 60। अब हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी। सॉल्यूशन फॉर्मूला है, एल स्लैश इक्वल एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब सबसे पहले हम डेल्टा टी मालूम करेंगे जो कि हम डेटा में ही करेंगे। टोटल टाइम है डेल्टा टी इक्वल T2 - T1। T2 की वैल्यू है 60 - 30, क्या आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि है डेल्टा टी की वैल्यू। एल स्लैश मालूम करना है हमें, इक्वल एल नॉट की वैल्यू 0.2 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 11 एक्सपोनेंट -6 आ जाएगी, मल्टीप्लाई है डेल्टा टी की वैल्यू है 30। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 11 एक्सपोनेंट -6 × 30। ये इसी तरह आ जाएगा, एल स्लैश इक्वल 0.2 × 1 प्लस, इसकी इनको मल्टीप्लाई कर आंसर आया है 3.3 एक्सपोनेंट -4। अब ये 0.2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, एल स्लैश इक्वल 0.2 × 1 0.2 ही आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 एक्सपोनेंट -4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6.6 एक्सपोनेंट -5। अब हम इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, एल स्लैश की वैल्यू 0.2000066 सेंटीमीटर। हाई एवरी वन, इफ़ यू लाइक अवर वीडियो सो गिव अ बिग थम्ब अप एंड सब्सक्राइब द चैनल।